करे, झगड़ा कर कोई कारण नहीं है। एक वांगना में अगर तार टांगला हन और अगर तनिक लुगा घास सुखाई गला है दोसर गोतनिया कर घास खाई देखा तो हटा लड़ी जाते, लेकिन उठा कोई लड़ा कर कारण लागे। अब अगर मुर्गी तुहन रख लें तो मुर्गियन के खुटी रख बन, अब एक मुर्गी तनिक दूरा यहाँ है और थारी में रखल है तनिक फटकी दिले तो हटे झगड़ा है कि नहीं। तो इटा के हमें कम से कम इतन के समझदारी रखना उनके आपस में नहीं लड़ना। अब मुर्गियाँ ना तो मुर्गियन के खुटी कौन रखते, कोई रख छगरी लागे ढहरे लगे है तो तनिक मनी ककरे खाइए देते। तो हम इनका जो संस्कृति कहाँ है कि ककरे अगर पूरा चढ़ाव कर पाइले तो हाजरी में अभी लोग लेके पड़तन तो पूरा चढ़ा देते। अलुआ रोपे के लागन धान काटे के लागन तो हाजरी में बनिहार के लेखबान 200 टका दे के खियाबन पियाबन तबे कर देते। लेकिन कि नहीं आज 20-25 साल पहले रहे मदद प्रथा चले हल कि टोला करा जो घर के लाए तो सब बेटी छुआ घर जाके धान काटी देते, आज एक घर काटी देते। तो इस दिन हम इनके सब विलुप्त हो जा रहा है और यह टीन का फायदा बाहरी लोग ले रहा है कि आपस में एखिन में बिखराव हो गया, आपस में टूटी गला, एकता खत्म हो गया है, तब जाके बाहरी यहाँ हावी हो रहा है। और अगर इस संस्कृति के हमें बचा के अगर राखी है कि नहीं गांव घर आदमी कर आपस में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। देखा थोड़ा मोड़ा तो हेबे करे, झगड़ा कर कोई कारण नहीं हेबे। एक वांगना में अगर तार टांगला हन और अगर तनिक लुगा घास सुखाई गला है दोसर गोतनिया कर घास खाई देखा तो हटा लड़ी जाते, लेकिन उठा कोई लड़ा कर कारण लागे। अब अगर मुर्गी तुहन रख लें तो मुर्गियन के खुटी रख बन, अब एक मुर्गी तनिक दूरा यहाँ है और थारी में रखल है तनिक फटकी दिले तो हटे झगड़ा है कि नहीं। तो इटा के हमें कम से कम इतन के समझदारी रखना उनके आपस में नहीं लड़ना। अब मुर्गी ना तो मुर्गियन के खुटी कौन रखते, कोई रख छगरी लागे ढहरे लगे है तो तनिक मनी ककरे खाइए देते। तो इतन से हम इनके ऊपर उठी के सोचना हन, इतना धूप पानी बरसात में भिंडी के जैसे अखन हम इन यहाँ आई लाइए तो हम इन को धूप में ना रोबे में ना लाइए तो हम इन ककर खातिर आवल आई, हम न भूख भोगी लागे, हम इन जैसन तोहनों घर छुआ थोन तो कते घर रांची में पढ़ी रहा थोन हजारीबाग में पढ़ी रहा थोन और छोट छोट छुआ तो अखनो पढ़ता तो तोहन कर उद्देश्य है हन भाई कि छुआ पढ़ता तो कहीं रोजगार मिलते, 10-5 हजार कमाता तो घर परिवार चलत, माए बाप एगो ऐसा परिवार में हव कि माए और बाप दू गो कि बेटा कमाए कभी नहीं खोजो कभी नहीं कहे चाह तो फिर कि हमारे बेटा पोतो और नाती के सुख सुविधा है कभी भूखे नहीं रहे। वो किना कामा है नहीं कामा है माए बाप पर कोई मतलब नहीं रहे। अगर कभी सौंधी घर के लिए कहीं पर्व त्यौहार में मंडा पर्व देखे ले गोला मेला लागले और वहाँ अगर देखे ले जाए तो अगर 200-500 अगर बेटा दे दिलोन तो ओकर से बेसी खुशी आ रहा है कोनो, ओकर से बेसी खुशी नहीं खोन। लेकिन बेटा किना कामा है नहीं कामा है उठा से कोई लेना देना नहीं रहे, खाली कभी तनी जर बुखार हो गलोन कुछ तकलीफ हो गलोन तो ओकरे में तनी सहयोग कर दिले तो हटे खातिर आशा रहे। और ये आशा टा के हम इन सरकार में पूरा निराशा कर दिले कि आज तुहन बी एड करावे खातिर 1.5 लाख कम से कम लागो है फीस। अब 1.5 लाख गाँव कर आदमी तुहन अलुआ मलुआ बेची के धान बेची के साल में 1 लाख टका नहीं बचा पा रहे थे भाई, तो कते कसते मुर्गी छगरी खांसी पाली के बेची के और आज छुआ के बीएड कराए रहा है टीचर ट्रेनिंग कराए रहा है कि कहीं ओकर 10-5 हजार का नौकरी लगी जाए। लेकिन वह टा हमें अंधेरे में आए सब बी एड कर घरे घूरी रहा घू रहा कहाँ तो है आंसू कर झंडा और बीजेपी और कांग्रेस का झंडा रहो जे हामिन कर सबसे ज्यादा भविष्य खराब करे वाला नेता ओकरे पीछे हामिन तो घूरिए रहा है, हामिन कर गार्जियन तो इन सब भी घूरी रहा है। तो कहे के मतलब कि हामिन का जो भविष्य सबसे बेसी खराब कर रहा है ओकरे हामिन कर माए बाप काका काकी ओकरे पीछे घूर है ओकरे पीछे नहीं घूर है। भोटवा के समय कते मिला है 400-500 टका बेसी तो नहीं मिला है, तो 400-500 तो एगो ढूलल मुर्गी के देहाते मुर्गी के दाम है तो 5 साल के लिए तो इन्हें एगो मुर्गी के दाम में बेचा रहा है। तो यह टीन हामिन के समझे जरूरत है इतन में हमिन का कैसे परिवर्तन है और एक में हमिन का विकास कैसे है, स्कूल में भी हमकर पढ़ाई कैसे है। वह आज ब्लॉक तो जा रहा है झोला टांगे के यहाँ से टेम्पू धरी के गोला जाए और गोला जाए को मान ली जमीने में ऑनलाइन नहीं हो या कोई छुआ जाति आवा से बनाना हो तो समय पर बना है नहीं बना है। लेकिन वह टाकर अगर नियम बनी जाए कि अगर वीडियो सी 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर अगर नहीं बनावे तो ओकर पर कानूनी कार्रवाई है। जैसे तुम पढ़ल लिखल में देवा तो देखा लेवा सेवा का अधिकार अधिनियम एगो कानून है, सेवा का अधिकार अधिनियम में वो कानून बन रहा है। वो कानून में जब तुम जाबा ब्लॉक कभी तो देखिए बी डी ओ और सी ओ कर बाहर में बड़का को बोर्ड में लिखल है पीला में बोर्डो रागी कर करिया छत में वहाँ लिखल है लाइन बाय लाइन लिखल है कि जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो 15 दिन के अंदर बनना चाहिए। ककरे राशन कार्ड अगर भुलाई गया या नहीं बनला है तो अगर आवेदन कर रहे हैं तो 1 महीना के अंदर बनना चाहिए। तो उटा पालन है सरकार नहीं हुआ है, पालन काहे नहीं हुआ है कि ऊपर से सरकार ओकर पर कोई कानूनी कार्रवाई अधिकारी के ऊपर नहीं कर रहा। तो अब जब वो नहीं कर रहा है तो ओकर दोषी हामिन है आई है सबसे बेसी कहे कि हामिन ऐसा आदमी के चुनी के सरकार के बैठा वाला है जो ओकर मतलब ही नहीं है, हामिन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोटवा के समय
पूरा रोड में देखबा हिंदल गाड़ी ढुकोतन प्रचार गाड़ी हुंदल निकलतन निकल है कि नहीं खाली भोटवा भर ओकर बाद कोई पूछे ले आओ कि ककर राशन कार्ड ने खाए ककर किना ने खाए ककर बिजली के तनी ज्यादा बिल आई गेलै तो जाओ बिजली ऑफिस में गिड़गिड़ाइत रहा कोई सुने वाला नहीं खन तो ये हमिन के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य लागे और यह सब मुद्दा के लय के आज हमिन तोहिन के बीच में आयल आई हन कि हमिन पढ़ा लिखल आदमी हमिन इतने सुधार करे प्रयास करबै तबे प्रयास करबै और हेवे पारते जब तक तोहिन का साथ मिलत जब तोहिन हमिन के 10 साल 15 साल पढ़ावल लिया बाहर राखी के और पढ़ाल के बाद हमिन से एक कहा होता है ना कि पढ़े का मतलब उद्देश्य है सिर्फ नौकरी पाना ना है पढ़े का उद्देश्य है कि जहाँ गलत है रला है वहाँ आवाज उठाना भी हमने कर काम है क्या तोहिन हमिन के पढ़ाई दिलिया पढ़ाई दिलिया मतलब कि तोहिन सब विषय में हर चीज के जानकारी रखा और जब हमिन जानकारी रख लिए और जहाँ गलत है रला है वहाँ आवाज नहीं उठाओ तो कल तोहिने हमिन के गरिया उपाय के तोहिन के पढ़ा के क्या कर दो कहबा कि नहीं कहबा तो से चलते हम इन सब चीज में देखी रहा है तो इन सरकारी हॉस्पिटल जा सरकारी हॉस्पिटल में 12 सीटा बुखार पड़ी कोई दवा नहीं मिलती तो सीटी स्कैन करा रहा बोर्ड में कहीं एक्सरे करा रहा था तो लिखे रहता हूँ कि जाओ बाहर से करा लिया तो आखिर हम इन जब सरकार के है हम इन इतना मदद कर रहे हैं हर सामान खरीद है तो टैक्स सरकार के दी है देखो माचिस साबुन कपड़ा लाता सब चीज़ खरीद है सब में दही तो हम एवज में हम इनका सरकार की ना दे कुछ दे कुछ नहीं मिले तो इतने हम अगर नियम बनी जाए कि जे भी नियम ओकर सरकार के एखन बनल भी जे नियम ना है उठा के खाली अगर समय से लागू करी दे तो हम इनका कोई तकलीफ नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं होगा आज तो एखन बिनाती अलुआ 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये बेची रहा है बेची रहा है कि नहीं लेकिन बिनाती दाना ले जाए तो कई रुपये ले 10 ग्राम ले 200-250 रुपये ले तो चाहे तो कोऑपरेटिव से कोऑपरेटिव बनल है ओकर काहे कि ओखन का रेट फिक्स है कोऑपरेटिव में कि बाजार में जाएगा तो 10 ग्राम कर बिनाती दाना 200 रुपये से कम में नहीं बेचना प्रिंट लगा दिलो तो हम इन अलुआ बेचल जगह है टमाटर बेचल जाए तो वहाँ प्रिंट लगाओ रहा इतने 5 टका है तुमसे तो सरकार के इतने समझे जरूरत है यार हम इनके मिली के इतना के काम करना है कि नहीं भाई हम इन किसान क्षेत्र में लागे तो हम इनमें कोऑपरेटिव भी होना चाहिए गोला में या फिर मान लें गोला है तो इनके दूर रह गए तो प्रत्येक पंचायत या 3-4 पंचायत मिली के वो कोऑपरेटिव बनते ताकि तोहन अगर हम इन बिनाती बैंगन उपजा लिए तो कोऑपरेटिव में सीधा दे दिली आज पंजाब हरियाणा वगैरह में सब कोऑपरेटिव बनल है बड़ा बड़ा किसान के जगह तो हम इनके जगह कहीं नहीं बनते तो कोऑपरेटिव बनते तो ओकर में केना हतन कि तोहन के सालों भर फिक्स है गेलन कि बिनाती 20 रुपया किलो कोयो सीजन में उपजाबे तो नुकसान का सहायक तो नहीं खन नहीं भाई कि आप नुकसान है जाए हमें जब चाहे ठंडा कर चाहे बरसात कर लेगी कर 20 रुपया में दे दिखा गई जैसे दाल खरीदे तो दालिया कैसा दाम लिखल रहा है कि ओकर ले कम में देतन कि हम इन जैसा हुआ कि बिनाती आज 2 रुपये बेच लिया कल 10 रुपये बेचवाए तो दलिया कभी हुआ है 50 रुपये किलो तो ये सब कोऑपरेटिव सेवा भी बनाना हम इनके लिए जरूरी है और यही सब तमाम बहुत सारा समस्या है तो इनके कते आप समस्या बताए सब बताए देते हैं बाबू यह सब समस्या के लेके तो इनके बीच में आयल आई हन और यह सदस्य अभियान हम इन चलाए रहा है कि प्रत्येक गाँव में सदस्य अभियान एक चलते कि तोहन हम इनके साथ के देवाई तो तोहन के साथ जब हम इन चलब तब जाके हम इन कुछ कर पा ठीक है तो हम इतने बोली कि अपन आरो वक्ता है बोलता बहुत बहुत धन्यवाद।